हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ पथरी को खत्म करने के लिए कैसे मक्का, जौ और आलू आपकी सहायता करता है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगी मक्का, जौ और आलू से बस कुछ ही दिनों में आप अपने पथरी को यानी स्टोन को गला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। दोस्तों, पथरी एक ऐसा चीज है जिसके दर्द होने पे लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते और इसका दर्द बहुत ही भयानक होता है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन इससे आपको कंट्रोल नहीं होता और साथ ही किडनी का दर्द भी बढ़ता जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मक्के, जौ और आलू से अपने शरीर के पथरी को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए मक्के का बाल, जौ और आलू। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने की विधि। सबसे पहले आपको मक्के के बाल को जलाकर राख बना लेना है। उसके बाद आप इसे एक कांच की शीशी में बंद करके रख लें। इसके बाद आप जौ को भी उसी तरह आग में जलाकर राख बना लें और कांच की शीशी में बंद करके रख लें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसके सेवन की विधि। आप रोजाना सुबह खाली पेट एक कप गर्म पानी के साथ दो चम्मच मक्के के बाल का राख मिलाकर चाय की तरह पिए। ऐसा करने से आपको पथरी से बहुत जल्द छुटकारा मिलता है। साथ ही दोस्तों, रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले एक कप गर्म पानी के साथ जौ के राख का दो चम्मच मिलाकर इसको भी चाय की तरह पिए। इससे न सिर्फ आपको पथरी की समस्या से छुटकारा मिलता है, साथ ही आपको पेट की लगभग सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप इस विधि को रेगुलर 7 डे करते हैं, 7 दिनों तक करते हैं, तो आप बहुत जल्द पथरी की समस्या से छुटकारा पाते हैं। इसके बाद आप उबले हुए आलू का कम से कम 2 से 3 दिन सेवन करें। याद रखें दोस्तों कि आपको इस बीच किसी भी औषधि का या फिर किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आप रोजाना पानी के साथ 1 ग्राम जवाखार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोजाना जवाखार का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर के आंतों में पथरी के जो कण भी बचे हो तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है, साथ ही आपको पेट की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये सारी सामग्री आपको बहुत ही आसानी से पंसारी के शॉप पर मिल जाएगा और आप इसके इस्तेमाल से अपने पथरी को बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कि कैसे आप पथरी को मक्का, जौ और आलू की मदद से खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही पथरी के पेशेंट को इन 3 चीजों का इस्तेमाल करा के पथरी से छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।